हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, जस्ट मैं वीडियो एक डाला था इंडियन आइडल को लेकर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिला और आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी आया है, और उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। और मैंने सोचा कि वीडियो बना के ही मैं रिप्लाई दूँ, क्योंकि बहुत कोई कोई इससे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं रिप्लाई देता हूँ तो कोई एक ही जान पाएगा उससे, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत किसी को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट का आज रिप्लाई मैं करूँगा कि क्या कमेंट है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट है वो मैं आज का आप लोग को पढ़ के आप लोग का रिप्लाई दूंगा। और एक बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, कि आप लोग कभी हिम्मत मत हारिएगा, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप डेफिनेटली कर पाएंगे, और आप हमेशा करते रहिए, और जब होगा वो दिन आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि अमर जीत जयकार का आया है। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए और सिंगिंग को करते रहिए। बहुत, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूसली अभी कोई ना कोई वीडियो गिटार के साथ मैं डाल रहा हूँ, और हो सकता है कि कोई ना कोई वीडियो वायरल चला जाए, इस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ तक कि लगभग उस वीडियो में मेरा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, उस वीडियो में लगभग मेरा 100, 150, 200, 300 इसी तरह से मेरा व्यूज़ आता है। फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ दोस्तों, मैं मुझे ख़राब भी नहीं लगता है। और एक बात मैं आपसे अब बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर मैं इस तरह का वीडियोज़ बनाता हूँ ना, कोई भी ऑडिशन से रिलेटेड या फिर सिंगिंग जो मैं गाना गा के डालता हूँ ना, उससे मेरा इतना सेटिस्फेक्शन में रहता हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ किया हूँ। और अगर मैं कुछ रितु रिवा का डाल दिया या फिर फ्लोरिना को डाल दिया, उठ पटांग कुछ भी डाल दिया, तो उससे मुझे क्या लगता है कि कुछ मैं कुछ डाला ही नहीं हूँ वीडियो। लेकिन क्या हुआ है ना, मेरा जो फ्लोरिना को या फिर रितु रिवा का वीडियोस आप लोग देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ ना, एक सब्सक्राइबर बेस बन गया है दोस्तों, सब्सक्राइबर बेस बन गया है, जिसके कारण मुझे डालना ही पड़ता है। और पता ही आप लोगों को, यूट्यूब में जो आता है, जो जो भी बंदा आता है व्यूज़ के लिए आता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो सब करना ही पड़ता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल कॉन्टेंट डालने का इस चैनल पर। तो चलिए एक एक करके आप लोग का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, और आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा, जितना भी मैं म्यूज़िक वीडियो डालता हूँ आप लोग भी देखिएगा, थोड़ा बहुत उसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के भरोसे ही मैं हूं और आप लोग के सपोर्ट से मैं ही यहां पे वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए यहां पे, क्या दिल्ली में डायरेक्ट थर्ड राउंड होता है, यहां पे पूछ रहे हैं। देखिए, जो थर्ड राउंड होता है वो आपका फर्स्ट राउंड जो होता है कोई भी सिटीज में होता है। थर्ड राउंड ऐसा बात नहीं है कि थर्ड राउंड दिल्ली में ही होगा। थर्ड राउंड देखिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये क्या होता है ना कि आप जब ऑनलाइन देते हैं ऑडिशन, तब वो जो होता है फर्स्ट राउंड के अंतर्गत आता है। जब आप कोई भी सिटीज़ में जाते हैं, तब उसमें क्या होता है कि सेकंड, वो आपका सेकंड राउंड में आ जाता है। उसके बाद वहीं पे थर्ड राउंड भी ले लिया जाता है। थर्ड राउंड लेने के बाद डायरेक्ट मुंबई के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको इस तरह से दिल्ली में थर्ड राउंड का ऑडिशन देना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सारेगामापा, ठीक है, सारेगामापा का भी पूछे, सारेगामापा का ऑडिशन कब होगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों कि सारेगामापा का ऑडिशन बहुत ही जल्द निकलने वाला है, क्योंकि टीम मेंबर के साथ मैं फ़ोटो देखा हूँ, उनके पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट में फ़ोटो देखा हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये देख के ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप लोग सब बताइएगा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, या मुझे और बेहतर तरीके से आपको समझाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग ही वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद नहीं आएगा तो मैं किस तरह का वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, या फिर किस तरह का आप लोग को कंटेंट देना चाहिए, ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं, सर कोई भी ऑडिशन आए तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, करना पड़ेगा क्या, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट वेन्यू में जाके अगर ऑडिशन दूंगा तो भी चलेगा, प्लीज़ टेल अस, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर, जैसे कि ऑनलाइन ऑडिशन होता है तो उसमें अगर ना दे के डायरेक्ट ऑडिशन देते हैं तो क्या चलेगा। बिल्कुल चलेगा, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे पाते हैं, तो अगर आप लोग को डायरेक्ट ऑडिशन जहाँ हो रहा है, ऑफलाइन ऑडिशन जहाँ हो रहा है, वहाँ पे आपको पता चल रहा है, पहले ही पता चल जा रहा है इधर उधर से, तो वहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्ट ऑडिशन दे सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद ही आप लोग ऑफलाइन ऑडिशन दे पाएंगे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी ऑडिशन दे सकते हैं जाके, तो
तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कमेंट पढ़ा कि कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न किस बात का, मैं क्लियरली सब कुछ आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो जो है पूरा देखते ही नहीं है और फिर कमेंट करते हैं कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सब मैं वीडियो में बताया और रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक भाई यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कंटेंट को कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, आपके पास होगा तो प्लीज़ सेंड कीजिएगा। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि इस तरह से जो होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया जाता है। अगर आपको कॉल वगैरह आता है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और रही बात मेरा कॉन्टैक्ट नंबर का, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोग को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, इंस्टाग्राम से मुझे DM करके पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो मैं वहाँ पर हरदम रिप्लाई करता हूँ दोस्तों आप लोग को, हरदम कुछ ना कुछ आप लोग जो भी पूछते हैं तो आप लोग डेफिनेटली बताइएगा, जो जो मुझे कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ उनको, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर भी अगर यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी कीजिए, या फिर अगर आप लोग को रिप्लाई चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दीजिए, DM कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं, भाई मेरा एज 33 है, क्या मैं ऑडिशन दे सकता हूँ? एक्चुअल में अगर मैं डेट बताऊँ तो यहाँ पे इंडियन आइडल का जो डेट होता है 16 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक ही होता है, और उसके जो ऊपर वाले होते हैं, एज वाले होते हैं, बहुत रेयर केस में जो होता है उसको लिया जाता है, नहीं तो 33 एज वाले यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोई दूसरा शो होता है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर होता है तो मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद 30 के ऊपर एज लिमिट वाले ऑडिशन बताना भाई, ठीक है प्लीज़, ओके। 30 के ऊपर जितने भी ऑडिशन होंगे वो मैं तो अगर आप लोगों का निकलता है तो मैं तुरंत डेफिनेटली बताऊंगा आप लोग को, इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, सर हम कैसे जान पाएंगे कि रियल है या फेक, क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होता है, फिर जान पाएंगे कैसे? तो ये बोल रहे हैं कि जो जैसे कि क्या होता है ना कि जब वो ऑडिशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी सरेगामा हो, इंडियन आइडल हो, तो क्या होता है कि पहले वो लोग प्लानिंग कर लेते हैं, और 2 महीना पहले ही क्या होता है कि प्लानिंग करने के बाद तुरंत जिनके जिनका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होता है उनको मैसेज करते हैं, या फिर इस तरह से बोला जाता है कि आप वीडियो भेज दीजिए, ये कर दीजिए, कुछ इस तरह से बोला जाता है। तो उसमें ही वो बोल रहे हैं कि हम लोग किस तरह से समझेंगे, किस तरह से जानेंगे फेक है कि रियल है। आप यही देखिएगा कि वो जो कुछ भी आप लोग को बोला जा रहा है कि पहले पैसा मांगा जा रहा है, अगर पहले पैसा मांगा नहीं जा रहा है तो आप लोग डरिए मत, ठीक है, आप लोग उसमें कमेंट कीजिए, और वीडियो भी अगर भेजने बोला है तो वीडियो भेजिए, और डिटेल्स वगैरह जितना देखिए डिटेल्स क्या मांगता है, नाम हो गया, ये सब हो गया। अगर आप लोगों को बोला जाएगा आधार कार्ड भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, तो आपको नहीं भेजना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप लोग अगर रियल और फेक में कन्फ्यूज़न हो रहे हैं तो यही करना है कि अगर आप लोगों को बोला जा रहा है कि इतना रुपया आप लोगों को लगेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग विश्वास मत कीजिए। और अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि आपका वीडियो सेंड कीजिए, इतना मिनट का वीडियो सेंड कीजिए, हम लोग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, मैं टीम मेम्बर से बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत पूछ लीजिएगा, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न जो है आप लोग दूर कर लीजिए, और इसमें फेक और रियल का डेफिनेशन जो है आपको पता चली गया होगा, ठीक है गाइज। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, जो फेक है वो आपको लग जाएगा, पैसा मांगेगा तो लग जाएगा, और नहीं मांगेगा तो वो रियल है। उसके बाद भाई मुझे भी इंडियन आइडल में सिंगिंग करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर देना भाई। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे पाऊँगा, आप लोग किसका मांग रहे हैं, इंडियन आइडल का अगर मांग रहे हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ही कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, और कॉन्टैक्ट नंबर होता भी है, मैसेज भी आता है तो इधर उधर चला जाता है, तो उसका मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो जितना भी सपोर्ट होता है गाइस मैं करता हूँ आप लोग का, जितना भी हो पाता है। उसके बाद सुपर स्टार सिंगर 3 का ऑडिशन कब होगा? सुपर स्टार 3 का ऑडिशन सोनी TV पे, जैसे कि अभी इंडियन आइडल का अभी ऑडिशन चल रहा है, उसके बाद अभी सुपर डांसर का जो इंडियाज़ बेस्ट डांसर का ऑडिशन आ रहा है, जैसे कि शो चल रहा है, उसके बाद लग रहा है कि उसके बाद ही सुपरस्टार सिंगर का भी होगा, जहां तक लग रहा है, क्योंकि उसी का शो है ये, हो सकता है बहुत ही जल्द इंडियन आइडल ख़त्म होने के बाद हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और कभी भी हिम्मत मत हारिएगा दोस्तों, आप लोग हमेशा
कोशिश करते रहिए। आप लोग मेरे मुझे ही देख सकते हैं, मेरा वीडियोस में इतना कम व्यूज़ आता है, लगभग मैं 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ रेगुलरली, बट आप लोग व्यूज़ देखे होंगे कि लगभग 500 600 1000 2000 अप्रोक्स ऐसा ही व्यूज़ आता है, बट मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ और हमेशा आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। और इसी तरह से मैं चाहे 100 व्यूज़ आए चाहे 200 व्यूज़ आए, मैं इस तरह से वीडियोज़ बनाता ही रहूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए और किस तरह का प्रॉब्लम आपका है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।